नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये टोपा बताऊंगी। ये देखिए, मैंने ये 32 फंदे डाले। ये दो एक से दो साल तक के बच्चे का के लिए बनेगा। ये मैंने थोड़ा सा बॉर्डर बना के वो ये डिजाइन डाली है। आपको मैं एक डिजाइन डाल के बताऊंगी ये कैसे डालती हैं। ये देखिए, ये सीधी तरफ से पड़ती है, लेकिन इस ये डिजाइन की शुरुआत उल्टी तरफ से होती है। एक फंदा हम उतार लेंगे और दूसरे फंदे को हम ये दो बार अंटा लगा के ऐसे बुन लेंगे। ये देखिए, सभी फंदे हम इसी तरह के पीछे से ऐसे ही बुन लेंगे। ये देखिए, सारे फंदे अपन दो बार बना लिए। आगे से हम ये फंदा उतार के ये धागा आगे कर लेंगे पीछे वाला। अब हम इनमें से ये तीन तीन फंदे इस तरीके से खोल लेंगे। खोल के अब ये तीन फंदे एक साथ बनेंगे। इसे निकालेंगे नहीं, फिर ये धागा पीछे करेंगे, फिर ऐसे निकालेंगे, फिर ये धागा आगे करेंगे, फिर एक बार ऐसे निकालेंगे। ये तीन फंदे हो गए, एक दो तीन। ये तीन तीन फंदों में डलती है, ये डिजाइन डल गई है। और पीछे से हम पूरी सिलाई उल्टी निकालेंगे। ये देखिए, पीछे से निकल गई है। अब हम आगे से भी ऐसी उल्टी निकालेंगे दो सिलाई। इस तरीके से ये जो मैंने निकाल रखी हैं, ये दो सिलाइयाँ ऐसे ही हम ये डिजाइन के बाद दो सिलाई उल्टी निकालेंगे। देखिए, और ये मेरी तीन डिजाइन हो गई हैं। अब इन फंदों को हम कम करेंगे यहाँ से। ये कम करने के लिए मैं यहाँ पे ये पांच फंदे ले लिए मैंने। यहाँ पर हम ये तीन का एक करेंगे,
जो जितने फंदे हैं वो तीन हिस्सों में कर लें। ये बीच में मैंने 6 लूटे ले लिए, फिर यहाँ पे हम 3 का 1 करेंगे। देखिए मैंने ये 6 फंदे करके घटा दिए। 6 फंदों के गैप से मैंने एक एक फंदा सीधा कर लिया है, 3 का 1 किया है, इन्हीं में ये फंदे कम करूँगी। ये देखिए ये पीछे से उल्टी निकाल दी मैंने, आगे से हमें ये फरी पे ये फंदा घटाने हैं मुझे। इसी तरीके से ये 3 जगह फरी, इन पे 4 सारे फंदे घट जाएंगे। फिर यहाँ में एक टोपा 2 हिस्सों में बनता है, पीछे का हिस्सा अलग बनाऊंगी। ये बीच में मैंने ये 6 फंदे छोड़े थे, अब ये दोनों तरफ से एक एक फंदा कम हो गया है, अब ये 4 फंदे बचे हैं। ये देखिए इसी तरह में ये फंदे सारे कम हो जाएंगे। ये देखिए ये 5 फंदे रह गए और जो बाकी फंदे सब घट गए। अब मैं पीछे से इन 5 फंदों को एक साथ घटा दूंगी। ये देखिए ये मैंने आगे का हिस्सा बना लिया है और ये मैंने पीछे का बना लिया है। पीछे का मैंने ये सिंपल बना लिया है, जिस तरीके से बनता है कि ये मैंने पहले 3 फंदे डाले और फिर 2 सलाई पे 2-2 फंदे बढ़ाएं, हर एक सलाई पे एक एक, फिर दूसरी पे एक एक, 2 बार बढ़ा के 9 फंदे हो गए थे, फिर 2 बार में एक एक करके घटाया है। इस तरीके से ये बांधने के लिए बना दिया और फिर मैंने एक साइड से एक एक फंदा हर सलाई पर ये बढ़ाया है। बढ़ाने के बाद फिर एक एक उसी तरीका से घटाया है, फिर इधर भी बना दिया है ये बांधने के लिए।
अब हम जब टोपा बना के सिलाई करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि जो हमें यहाँ से घटाना शुरू कर रहा है ये हम बीच में लेंगे यहाँ, और इस तरीके से इधर सिल देंगे और ये इधर यहाँ तक सिल देंगे। ये दोनों तरफ से सिल जाएगा, ये जगह ये थोड़ा थोड़ा सा बच जाएगा ये पहनने के बाद। ये देखिए मैं आपको सिल के बताऊंगी। सिलाई उल्टी तरफ से करनी है, इस तरीके से रख के इसको सिलाई कर लें आराम से। ये देखिए तरीके से बनाना है, ये दो हिस्सों में बना के ये मेरे पीछे से इस तरीके से सिलाई कर दी है। ये देखिए पीछे से, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।